जिला योजना समिति की बैठक प्रदेश के सिंचाई एवं सिंचाई यांत्रिक विभाग मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में जीडीए सभागार में संपन्न हुई। बैठक में वर्ष 2018-19 के लिए कुल 572,91,00,000 रुपए जिला योजना अनुमोदित की गई है, जो वर्ष 2017-18 की तुलना में 23,73,00,000 से अधिक है। बैठक में प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी विभागीय अधिकारी संपूर्ण धनराशि अमूर्त कराकर परियोजनाओं का क्रियान्वयन करें, जहां कहीं दिक्कत आती है उन्हें अवगत कराएं। जिले के प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राशन कार्ड बनवाने, पेंशन पत्र भरवाने का कार्य प्राथमिकता पर करें। इसके लिए उन्होंने सीडीओ को अधिकृत किया है। उन्होंने सदन के माध्यम से जनता को आश्वस्त किया है कि बाढ़ सुरक्षा संबंधी कार्य समय से पूरे किए जाएंगे, धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मलौनी बांध के मजबूती के लिए 62 करोड़, हार्वर्ड बांध के लिए 29 करोड़ रुपए जारी हो गए हैं तथा काम भी हो रहा है। हार्वर्ड बांध के 11 रेगुलेटर ठीक कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी नदियों को पूर्ण जीवित करने के लिए प्रदेश की 8 नदियों का चयन किया गया है, जिसमें गोरखपुर की आमी नदी को लिया गया है। इसे प्रशासन एवं सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से गहरा एवं साफ सुथरा किया जाएगा। जिले के 628 तालाब पोखरों को राजकीय नलकूपों से पानी भरवाया जाएगा। जिलाधिकारी के विजयेंद्रन पांड्यन ने सदन को आश्वस्त किया है कि प्रभारी मंत्री के निर्देशानुसार विभागीय अधिकारी योजना का क्रियान्वयन करेंगे तथा जिले को आदर्श जिला बनाएंगे। बैठक में सीडीओ अनुज सिंह, समिति के उपाध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष गीतांजलि यादव, विधायक संगीता यादव, विपिन सिंह, शीतल पांडे, एमएलसी सीपी चंद्र, समिति के सदस्य सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। माननीय प्रभारी मंत्री प्रभाव सिंचाई एवं सिंचाई के माननीय मंत्री धर्मपाल सिंह सर, मैं मुख्य विकास अधिकारी सदन की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जिला प्रोबेशन अधिकारी से अनुरोध करूंगा कि वो माननीय विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी का एकल पुष्प देकर स्वागत करें। मैं डीएसपीओ से पुनः अनुरोध करूंगा कि वे माननीय सांसद माननीय विधायक सैजल व श्री शीतल पांडे जी का एकल पुष्प देकर स्वागत करें। मैं जिला सूचना अधिकारी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे बीच में एमएलसी श्री सीपी चंद जी का स्वागत करें। मैं यहां पे अपने प्रतिनिधियों अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं सदन के संयुक्त सचिव जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी से यह अनुरोध करूंगा कि वे विभागवार व्यवस्था का प्रश्न है। बिल्कुल, इसके पहले हम जो चाहता हूँ सभी माननीय सदस्यों से एक विशेष आग्रह के साथ, जनपद गोरखपुर आपका अपना जनपद है और इस जनपद का चौमुखी ही बहुआयामी विकास होना चाहिए। तो उसमें कुछ हुआ नहीं था, कुछ हुआ नहीं, साहब लोग परिवर्तन की तरफ बढ़ गए थे। मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ, आप पिछले बजट के बारे में पूछो और पिछली कार्यवाही के बारे में पूछो, वो आपका अधिकार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ इन बिंदुओं को समावेश करते हुए आप बात करें। इसी तरह से अन्य विषयों पर, चाहे वो मनरेगा का सवाल हो, चाहे वो जल निगम का सवाल हो, चाहे वो कृषि विभाग का सवाल हो, और जो विभागों में हमारे माननीय सदस्यों के विचार आए हैं, हमारे साथियों के विचार आने हैं, माननीय मंत्री जी अनुपालन नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, जाए सदस्यों की मांग पर किए जाए, उनको सम्मान पूर्वक पूरा करने का भी काम किया जाए। अगर नहीं है, अगर ऐसी स्थिति नहीं है, तो फिर जो प्रोग्राम है उसको
करके आपका स्वागत है। अभिनंदन है बंद रहा मैं पूरा प्राइमरी स्कूल अभी ये पहले शुरू हो गई है पिछली कार्रवाई की पुष्टि की एक व्यवस्था है लेकिन पुष्टि वही है हमारे तमाम जो सदस्यगण है यही चाहते हैं कि पुष्टि किस बात की है। इस बात की पुष्टि क्या है ये अपनी समस्याओं का जिक्र करते हैं और सबसे अधिक सबको सबके लिए गर्व का विषय है ये। लेकिन दुख उस समय हुआ माननीय मंत्री जी पहले भी कुछ नहीं मिलता था, ऐसा नहीं कि पहले बहुत कुछ मिलता था, पहले भी कुछ नहीं मिलता था। मैं बताऊं 2015-16 में पूरे जिला योजना में 4,69,00,000 रुपए गोरखपुर जनपद को मिले। कल की बोर्ड की बैठक में DSDO महोदय ने जिला योजना के बुकलेट को रखा था के लिए जो हमको मिला है जिला सरसों के विकास के लिए कम से कम इस पे बाहरी हस्तक्षेप बात बंद करवा दें। आपके कम इस पे कुछ पहले आप बता दें कि क्या होना है। इसमें खामियां हैं, इसमें खामी क्या है, इसमें पहले मोटे मोटे कागज से लिखना चाहिए। गत वर्ष का बजट इतना था ठीक है और हमने इस वर्ष बजट प्रस्ताव के लिए करा तो ये सभी सदस्यों को समझ में आ जा रहा है कि गत वर्ष आपने जिला योजना में इतना बजट किया था और इस वर्ष पिछले वर्ष श्री बात से बढ़ाकर है या घटाकर है तो ये सदस्यों की जिज्ञासा समझ जाती है। ये तो हम एक इसको हम कम्प्लीट साबित करें। आज जनपद गोरखपुर की जिला योजना की बैठक, जिला योजना में जिले का संपूर्ण विकास हो इसके लिए विभिन्न विभागों से योजना बनकर आती है, जिला योजना से उसको पारित किया जाता है। इस बार की जिला योजना पिछली जिला योजना से बेहतर है। पिछली जो जिला योजना 2017-18 में प्रोफाइल हो रहा है। हाँ सर बोलता है। पिछली बजट योजना में 549.18 करोड़ रुपया था जिसमें 365.79 अमुक किया गया, 66.6% काम हुआ और इस काम को जो शेष रह गया है जिला प्रशासन उसको प्राथमिकता से पूरा करने का काम करेगा। दूसरा इस वर्ष 2018-19 की जिला योजना में 572.91 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया गया है और जो पिछली जिला योजना से 23.78 करोड़ ज़्यादा है तो इसलिए जनपद गोरखपुर की जिला योजना बहुत महत्वपूर्ण जिला योजना है। इसमें संपूर्ण विकास जनपद गोरखपुर का हो, चौमुखी विकास के साथ साथ हम बहुआयामी विकास करने की हमने योजना बनाई है।